टंगमर्ग के बद्रकोट में फौज की दो राष्ट्रीय राइफल्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से दो रोजा म्यूजिकल फेस्टिवल इख्तिताम पज़ीर हुआ। तकरीबन 1600 लोग वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से बद्रकोट म्यूजिक तक आए थे। कश्मीर फोक डांस स्केट बैंड परफॉर्मेंस जैसे प्रोग्रामों को भीड़ की तरफ से बहुत पजराई मिली। हॉर्स रेस और एटीवी की सवारियां मुकामी लोगों के लिए बाइस से मसरत थी। म्यूजिकल फेस्टिवल में बॉलीवुड अदाकार ने शिरकत करके खूब खुशियां बिखेरी। बद्रकोट पहुंचने पर मुकामी लोगों ने खूब बॉलीवुड अदाकार का इस्तकबाल किया। बॉलीवुड अदाकार ने कहा है कि बॉलीवुड को फिल्मों की शूटिंग करने के लिए स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने मुल्क के अंदर कश्मीर सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे ऐसे इंतजाम हुए हैं कि मतलब देख के दिल खुश हो गया। इस तरह के अरेंजमेंट्स और इस तरह के आर्टिस्ट, मतलब कहते हैं ना कि खूबसूरती के साथ साथ टैलेंट भी कूट कूट के भरा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी जैसा हमने म्यूज़िक सुना और ख़ास करके यहाँ के जो लोग हैं उनका इतना प्यार मिल रहा है ना, एक अलग ही, यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा है, ऐसी वाइब्स हैं यहाँ की। और दूसरी चीज़, यहाँ पे रह के ना बस चैन व अमन की दुआ करने और यही पैगाम देना चाहते कि यहाँ पे खुशहाली हमेशा इसी तरह से रहे। ये फेस्टिवल हर साल हो, हमें लगता है साल में कम से कम ऐसे कई सारे जलसे होने चाहिए जिससे यहाँ के टैलेंट्स को और ऊपर आने का मौका मिलेगा। तो सर, क्या आपको नहीं लग रहा कि जिस तरह से पिछली बार जो यहाँ पर कई फिल्में जो फिल्माई गई थी, कैमरा घुमाना चाहिए, वो चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ें शुरू होनी चाहिए। और कल जब हम लोग बैठे हुए थे RR2 के हेडक्वार्टर्स में, तो वहाँ पे DIG साहब से भी मुलाकात हुई, तो वो बता रहे थे जैसे उनसे पता चला कि 100 फिल्मों को मंजूरी मिली है यहाँ पे अपने कश्मीर में शूटिंग की। तो आई थिंक एक पॉजिटिव चीज़ है, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है और आगे भी इसी तरह होता ही रहे। ये यहाँ से जाने के बाद क्या मैसेज रहेगी सर, बॉलीवुड जो अदाकारा है उनके लिए क्या मैसेज रही ताकि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में जो फिल्म इंडस्ट्री है वो दोबारा से। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या हुई ना कि कोरोना की वजह से सारी चीज़ें ठप पड़ गई। अब धीरे धीरे चीज़ें जब शुरू हो रही है ना, तो उसमें यही है कि हर कोई बौखलाया हुआ अंदर, सब टैलेंट जो है ना, जितने टैलेंटेड लोग हैं वो चाह रहे काम करना, जो कि 2 साल में हम लोग कर नहीं पाए। तो वो सारी चीज़ें कश्मीर में अगर हम आने के सलाह दें अगर आर्टिस्टों को, तो सबसे पहले बात करें टैलेंट की, जो हम हर जगह देख रहे हैं कर रहे हैं, बट यहाँ के जो लोकल टैलेंट्स और रीजनल टैलेंट ना, उसको प्रमोट सबसे पहले किया जाए। हम तो हैं, बाहर से आएंगे, करेंगे, चले जाएंगे, बट जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए रोज़गार के साधन और ज़्यादा से ज़्यादा बने, ये यही कहना चाहते हैं। ओके, थैंक्स। करने चाहिए, हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पर, यहाँ बहुत आर्टिस्ट आए और ये बहुत अच्छी जगह है, इधर ब्यूटी भी बहुत अच्छी है, ऐसे फेस्टिवल करने चाहिए और इससे बच्चों का हौसला भी बढ़ता है। कुछ प्लेस भी बहुत अच्छी है इस जगह।